सर इतने अरसे से आप मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि मैं आपको शो में बुलाऊं मेरे, और देखें आज मैंने आपको बुला ही लिया। यानी कि आपने अपना शो का आगाज़ ही झूठ से किया। कभी मैंने नोट किया आपको ना साइड रोल मिलते हैं, कभी मैंने नोट किया आपको एक्स्ट्रा साइड रोल मिलते हैं, तो आपका नहीं दिल करता कि आप हीरो हैं? बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आपको क्या मालूम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, आपका सेट ना खराब हो जाए। दिखाएंगे बॉडी अपना ये शर्ट के नीचे क्या है, हम भी देखें। हम सलमान खान हैं। आप भी तो किसी बड़े फिल्म डायरेक्टर की मिन्नतें कर सकते हैं कि मुझे भी ना छोटा मोटा कुछ साइड रोल दे दें किसी फिल्म में। अच्छा, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ बोल रहा हूँ, उस पर आपको रिएक्ट नहीं करते? हाँ रिएक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK पे मेरा प्रोग्राम वो वाला शो। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही फेमस एक्टर हैं और मेरे हमसाए भी हैं, काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपके सामने ही हूँ। सर इतने अरसे से आप मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि मैं आपको शो में बुलाऊँ मेरे, और देखें आज मैंने आपको बुला ही लिया। यानी कि आपने अपना शो का आगाज़ ही झूठ से किया है। सर मिन्नतें हुई हैं लेकिन किसने की हैं ये भी उस पर छोड़ देते हैं। सर एक ही बात है ना, मैं मिन्नतें करूं आप मिन्नतें करें, होती तो मिन्नतें ही है ना, नाक में इधर से पकड़ूं या इधर से पकड़ूं, पकड़ी तो नाक ही जाती है ना। एक बात एक नहीं, आपका नाम जो है वो क्यू से शुरू होता है, मेरा नाम के से शुरू होता है, बहुत फ़र्क है क्यू और के में। मगर हमारे नाम का एंड तो एक ही है ना, मेरा नाम है शेख कासिम महमूद और आपका नाम है काशिफ महमूद। फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, जहाँ से आगाज़ होता है, बिल्डिंग का जो नी होती है ना, जैसे पंजाबी नी कहते हैं, वो नी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या हुआ एंड क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस। मैं जब भी आपको कॉल करता था आप मुझे यही कहते थे क्या, मैं ना ड्रामे किसी ना किसी शूट में बिजी हूँ, तो उसका मतलब है कि सारे जितने भी ड्रामे बन रहे हैं उसमें सब में आप थे। नहीं ऐसी नहीं है, मैं कोई इतना बिजी नहीं हूँ, इतफाक हो सकता है ऐसा कोइंसिडेंट कि जब आपने फ़ोन किया तो हो सकता है मैं बिजी ना भी हूँ तो मैंने आपको कह दिया हो कि मैं बिजी हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि आपका शो को इतना कोई टॉप मतलब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मर रहा हो यहाँ आने के लिए, तो वो तो ठीक है आपके लिए हम आ गए। थैंक यू मेरे शो में आने के लिए। आज का वैसे जो इंटरव्यू है ना, मैंने चार टॉपिक्स पे डिवाइड किया आपसे रिलेटेड, एक एक्टिंग हो गई, एक क्रिकेट हो गई, एक सियासत हो गई और एक हो गया बिजनेस, तो मुझे बताएं कौन सा टॉपिक सबसे पहले? जॉन समर्दी शुरू कर लें भाई आप। चलिए ऐसे करते हैं, एक्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलिए। मेरा ख्याल है कि आपको ना एक्टिंग करते हुए 30 से ज़्यादा साल हो गए, क्या ख्याल है? अप्रॉक्सीमेटली इतना है ना। हाँ अगर आप 92 से लगाएं तो ज़्यादा हो गए, और जब से लोग मुझे जानते हैं वो आप 97 से लगा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी जो उम्र है मेरा ख्याल है 55-60 के करीब तो होगी। नहीं 4-5 साल पहले ही कर लें। तो आप वैसे इतने बूढ़े और इतने एज के लगते तो नहीं हैं, तो आप किसका खून पीते हैं? मैं खून तो कोई किसी का नहीं पी सकता, लेकिन अपने खून को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो इंसान आप करते रहेंगे तो आपकी भी एज जो है ना छोटी लगेगी। क्या क्या है कोई बताएं तो सही ना। मसलन सबसे पहली बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैदे पर बहुत ना डायरेक्ट असर करती हैं, जिसमें झूठ, हसद, लालच, कीना, मुनाफकत, ये अगर आपकी तबीयत में होगी ना तो ये आपकी डायरेक्ट मैदे पे असर करेगी। और अगर और वो जो हलीम वगैरह खाते हैं वो असर नहीं करती? नहीं हलीम वगैरह करती है तो उसको तो आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं ना, वो आपको पता लग जाता है कि मैंने क्या खाया, ये वो चीज़ है ना आपको पता लग नहीं रहा होता, लग रहा होता है लेकिन आप कहते हैं नहीं 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 कुछ नहीं है, तो इस चीज़ का एक बहुत असर है। ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। कभी मैंने नोट किया आपको ना साइड रोल मिलते हैं, कभी मैंने नोट किया आपको एक्स्ट्रा साइड रोल मिलते हैं, तो आपका नहीं दिल करता कि आप हीरो हैं? अच्छा ये एक्स्ट्रा साइड रोल कौन सा था मेरा? हाँ वो एक रोल था हीरो के बाप का दोस्त का रोल। तो भाई हीरो के बाप का दोस्त का कौन सा रोल था, किसी ड्रामे का नाम बताओ, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम होगा तुम हवाई फायर कर रहे हो भाई, हीरो का बाप तक तो मैं ठीक हूँ, हीरो के बाप का दोस्त का रोल मैंने आज तक नहीं किया, तो मैंने कुछ चीज़ उठा के तुम्हें मार दिया। अच्छा, चले एक्स्ट्रा साइड छोड़ दें, एक्स्ट्रा तो है ना, हीरो तो नहीं ना, इसको साइड रोल नहीं कहते, हीरो तो नहीं ना। नहीं नहीं इसको भाई हीरो तो मुझे हीरोइज्म मेरे ख्याल को 7-8 साल हो गए हैं, मैंने जो है ना उसको कहते हैं मेजर सपोर्ट कैरेक्टर्स रोल्स, एक्स्ट्रा तो जो है ना आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आपको क्या मालूम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, आपका सेट ना ख़राब हो जाए, तो वो उसको कहते हैं सपोर्टिंग रोल, ठीक है, कैरेक्टर्स रोल्स कहते हैं।
अच्छा, आप जिम भी काफ़ी करते हैं और आपने बॉडी जैसी ये बनाई भी है आपने, तो आपने इसीलिए बनाई है ना इस तरह के रोल्स के लिए हीरो जैसे? नहीं, क्यों बनाई आप ये बॉडी जो है ना, मैं अपने लिए बनाई है। हर चीज़ जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कासिम मियां, जब आप मैच्योर एज में आएंगे ना, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, अपनी ज़ात के लिए, आपको क्या पसंद है उसके लिए कुछ नहीं करते, तो ये मैंने अपने लिए किया। अच्छा सर, दिखाएंगे बॉडी अपना, ये शर्ट के नीचे क्या है हम भी देखें? उसके लिए नज़र इंटरव्यू आपके पास नहीं है। अच्छा, यानी आप शर्ट उतारते ही नहीं है? नहीं, वॉशरूम जाके भी नहीं शर्ट उतारते बिल्कुल भी? वॉशरूम तक आप नहीं गए तो बेहतर है। नहीं, आप पिक्चर सेल्फी खींचते हैं? हम सलमान खान है? नहीं है, नहीं है। ठीक है तो अच्छा मुझे बताएं, ना हम सलमान खान है ना आप करण जौहर है। बात आपकी ठीक है, और ये कॉफी विद करण नहीं हो रहा। हाँ, बात भी ठीक है आपको ना। बात ठीक नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। इतने अच्छे से आप ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको तो बात बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस पर आपको रिएक्ट नहीं करते। हाँ, रिएक्ट आपको पता है ना कि मैंने भी आप पे चढ़ाई करनी है। यस यस यस, एग्जैक्टली। अब मेंटली तो आप रेडी है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ मुझे बताएं, आप इतने अरसे से ड्रामे ही करते आए हैं, तो आपका नहीं दिल करता कि आप भी फिल्म करें? आपकी, मेरा ख्याल है आपने एक फिल्म की थी, मैंने ना इंटरनेट पे पढ़ा था, कोई घटिया सी फिल्म थी सल्तनत के नाम से। वो आपने यूट्यूब में गूगल से पढ़ के आपने समझा? हाँ। कि मैंने की है, वो झूठ है। अच्छा, मैंने नहीं की, वो झूठ लिखा हुआ। इसका मतलब है आपने कोई फिल्म नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं की। तो आपको क्यों नहीं फिल्में मिलती? मैं जो जो फिल्में मिली हैं वो मेरे मुताबिक नहीं थी। अब मुझे दो तीन बड़े लोगों ने कहा है कि हम आपसे फिल्म कराएंगे। कहते तो सारे ही हैं, मुझे भी बड़ी दफा के लोगों ने कहा। आपकी बात और है भाई, आपने तरले मिनते करके बगैर पैसों के काम करना है, हमने जो है ज़रा दूसरी तरीके से काम करना। काशिफ निसार साहब ने कहा है इस वक्त एक फिल्म के लिए। आप भी तो किसी बड़े फिल्म डायरेक्टर की मिनते कर सकते हैं कि मुझे भी ना छोटा मोटा कुछ साइड रोल दे दें किसी फिल्म में। देखो काशिफ, मैंने ना कुछ चीज़ उठा के तुम्हारे सर में मार दी। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे ना मुझे ये आपकी ऐनक बड़ी पसंद आ रही है, ये अगर फेंक दें तो फायदा ही हो जाएगा। नहीं, ये नहीं मार फेंक, ये घड़ी फेंक दें। नहीं, ये भी नहीं फेंक, अपना फ़ोन फेंक दें। क्यों फेंके? ना फेंके। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ आपकी इतनी दोस्ती थी, आपने उनसे भी नहीं रिक्वेस्ट की कि ना मुझे वो काफ कंगना उनकी एक फिल्म थी उसके अंदर रोल दे दें? यार देखो, कहने का मकसद है कि काफ कंगना में उन्होंने मतलब आबी खान को जो है वो रोल करवाया, और बेस्ट विशेज है हमारी आबी के लिए, तो उनको नहीं मुनासिब लगा होगा, नहीं ऐसा रोल हुआ होगा तो नहीं किया होगा। अच्छा, समीर खान की जगह पे आप शूट नहीं करते? कासिम मियां, फिल्म के बगैर भी मुझे नींद आती है। मतलब कोई फिल्म, कोई जब किस्मत में होगी, अच्छा रोल मिलेगा तो कर लेंगे। आप इतने अरसे से शोबिज में हैं, आपके जितने भी अफेयर्स हैं पता क्यों नहीं चलता? आप कैसे छुपा लेते हैं अपने अफेयर्स? बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट तो वो लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, दिमाग से? दिमाग से मुझे भी जरा तरीका बताएं। देखो, ये वो तरीका है, इसके लिए जो है नेचुरल होना बहुत जरूरी है। नेचुरल, कुदरती तौर पर कि आप कैसे हैं, और अब मैं कहूँ कि नहीं मेरे को स्कैंडल नहीं थे वो आपने मानने नहीं। हाँ हाँ, तो बस ये स्मार्ट तरीके से ठीक है, बस बात इसमें गोल करते हैं, आगे चलो। अच्छा, अभी भी काफ़ी फीमेल फैंस होंगे जो आपको ना कांटेक्ट करती होंगी, आपको लाइन कराने की, आपको लगता है कि आपके मुताबिक जो एक्स्ट्रा रोल कर रहा है, जो साइड पर रोल करता है, कि उसकी कोई फीमेल फैन हो सकती है? नहीं, हो सकता। अपनी एक बात पर कायम रहो ना, या तो तुम मुझे एक एक्स्ट्रा एक्टर तुमने मुझे बना दिया है, या तो तुम वहाँ पर रहो। अब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एक्टर की तुम्हारी कोई फ़ैन है? हाँ हाँ हैं हैं, मैं भी यही कहता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं आपका जो अपना पसंदीदा ड्रामा है वो कौन सा है? आपने कोई एक बताना है। नाम ये हैं आशियाना, दिल लगी, बूटा फ्रॉम टूबा टोक सिंह, लंडा बाजार, टेक सिंह, टेक सिंह, लंडा बाजार, मूरत, नागन, लाल इश्क, क्या राजा राजा कर दी, बाकी को रह गया। देखिए, पहली मोहब्बत आपको पता है ना कि कभी नहीं भूलती, वो आशियाना ड्रामा है ना वो। आपके बाकी ड्रामे नहीं पसंद आपको ये? नहीं, मैंने कब कहा, तुमने कहा एक, इनमें से एक, इनमें से एक। अपनी बात पे कायम रहो कासिम। ठीक है, पूरा नाम क्या तुम्हारा? शेख कासिम महमूद। शेख? अच्छा, शेख हो आप? हाँ। शेख जो है वो तो उनकी लस्सी में मक्खी चले जाए वो भी नहीं देते किसी को। ये बात सही है, आप वो वाले शेख नहीं है? नहीं, मक्खी हम
दे देते हैं, मक्खी नहीं रखते, चूस के और फिर दे देते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, क्रिकेट पे, ठीक है। हाँ हाँ, आपके कुछ अरसा पहले ना एक कॉन्ट्रोवर्सी आई थी, आपने ना एक ना बयान दिया था शाहिद अफरीदी के ऊपर, आपने कहा था कि शाहिद अफरीदी की वजह से ना क्रिकेट जो है वो हमारी तबाह हुई है, तो अभी भी आप उस बात पे कायम हैं या फिर आपने यू टर्न ले लिया? देखिए मैं बिल्कुल कायम हूँ उस बात पे, और मैंने मैंने बाद में हमने जो एक सेकेंड इंटरव्यू किया था उसमें भी ये बात की थी कि मुझे शाहिद अफरीदी से कोई मसला नहीं है, वो एक अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी है, वो हमारे मुल्क के बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैंने शाहिद अफरीदी स्टाइल ऑफ क्रिकेट पे कमेंट किया था कि शाहिद अफरीदी की का जो तरीका है खेलने का, जो उनका अंदाज है जो कि बहुत सालों तक छाया रहा पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि वो अंदाज़ ठीक नहीं था। इसका मतलब है छक्के नहीं मारने चाहिए? छक्के मारने चाहिए लेकिन हर बॉल पर छक्का नहीं मारना चाहिए। हाँ, कुछ बॉलों पे ना चौका भी मारना चाहिए। अब भाई बड़ा प्लेयर जो है लेफ्ट भी करता है, अगर प्लेयर लेफ्ट ही होगा तो लेफ्ट करेगा ना, अगर प्लेयर राइट हुआ फिर क्या करेगा? लेफ्ट का मतलब है छोड़ देना। अच्छा, छोड़ना भी होता आज है। आज से मैं आपका उस्ताद हूँ। नहीं नहीं, मैंने आपको ये सिखा दिया कि इस लेफ्ट का क्या मतलब है। मैं अगर लेफ्ट करता हूँ ना मैं बोल्ड हो जाता हूँ। आप तो वैसे भी बोल्ड हो जाते हैं, आप लेफ्ट करें या ना करें। अच्छा मैंने एक और चीज़ भी नोट की थी, शाहिद अफरीदी के फैन से जितनी आपको गालियाँ पड़ी थी ना पूरा का पूरा इनबॉक्स फुल हो गया था गालियों से, तो आपको कैसा लगा? हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपने और मैंने जो है बहुत अच्छा हंसी मजाक किया हो तो हमें याद नहीं रहता, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा ना तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह हमें नेगेटिव बात जो है ना याद रहती है। आपने उस इनबॉक्स में जहाँ मुझे गालियाँ पड़ी उसका जिक्र किया, और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनकी तादाद 75% से भी ज़्यादा थी उस कमेंट में, जो हज़ारों कमेंट्स थे उसमें 80% जो थे वो मेरी बात पे की तायीद कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वायरल जो है ना गालियाँ ही होती हैं। हाँ मैंने एक और चीज़ भी नोट की, जितने लोग आपको गालियाँ दे रहे थे ना उनके नाम के एंड पे ना खान आता है। ये इसको इस तरह इस पराये में नहीं देखना चाहिए, मैं इसको इस पराये में नहीं देखता, वो ये कोई ज़रूरी नहीं है। शाहिद अफरीदी के सिर्फ खान लोग जो फ़ैन नहीं है, बहुत सी दुनिया फ़ैन है उनकी, पंजाब भरा पड़ा। अच्छा मुझे आप बताएं जो आजकल इन्होंने पीसीबी का नया चेयरमैन रमीज़ राजा को बना दिया, चेयरमैन बनाया, ये बात कर रहा है, तो मुझे बताएं आपका ख्याल है ठीक फैसला? देखिए ये तो वक्त बताएगा कि ठीक फैसला है या नहीं है, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि ऐसी कौन सी क्रिकेट है जो मिसबा को और वकार को नहीं आती और वो सकलैन को और रजाक को आती है, वो कौन सी क्रिकेट है मुझे भी बता दो भाई, कि वो मिसबा को नहीं पता, वो सकलैन को पता है, वो रजाक को पता है। भाई इन लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ना ऐसा पोर्ट्रेट कर दिया कि कोच नहीं होगा तो टीम नहीं होगी। यार मुझे आप ये बात बताइए, सकलैन साहब बताएंगे उसको बाबर आजम को कि शॉट कैसे खेलनी है, बाबर आजम आज का प्लेयर है भाई, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोच जो है एक मोटिवेशनल एक्सपीरियंस वो है जहाँ पे इनको कोचिंग करनी चाहिए, जिन बच्चों को सिखाना चाहिए वहाँ ये सिखाते नहीं है, वहाँ ये जाते नहीं कि वहाँ पर रुपये हैं थोड़े, यहाँ पर रुपये हैं ज़्यादा, तो हर बंदा पाकिस्तान टीम का ही कोच क्यों बनना चाहता है भाई। कोचिंग आपने वहाँ करनी है जहाँ पे आपने उसको बच्चों को सिखाना है, इनको वहाँ भेजें, यहाँ तो। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, यानी कि हफीज़ को बताएंगे सकलैन से आपके शॉट कैसे खेलनी है, तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये 11 बंदों की टीम है, और जो प्लेयर अंदर खेल रहा है ना ये उसकी गेम है, और जो बाहर बैठा है चाहे वो कोच है चाहे वो काशिफ महमूद है चाहे वो इमरान खान है, वो सब बराबर है क्योंकि वो बाहर बैठा है, गेम अंदर वाले की है सिर्फ। तो एक ऐसा फिनोमेना बना दिया है कि जैसे जो है ना वकार यूनिस और मिसबाह हक की वजह से सब कुछ था। याद रखिएगा मेरे बात, अगर रमीज़ राजा आज बहुत जो है ना हो रहा है कि जी वाह जी वाह वाह जी वाह रमीज़ राजा सब आ गए, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार गया तो जिस तरीके से ये इन लोगों को निकाला गया है मजबूर किया गया, इसी तरीके से आप देखेंगे कि रमीज़ राजा को इसी बोर्ड के चेयरमैनशिप से निकाल दिया जाएगा, ये को पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं होगा। तो आज जो गुड बुक्स में हैं, जिन्होंने अब कोच बनना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी तनख्वाहों में लगना है पीसीबी के, वो तो रमीज़ भाई कर रहे हैं कि रमीज़ भाई ने ये किया, रमीज़ भाई ने वो किया,
और जिन लोगों ने नहीं करना वो तनकीद कर रहे हैं, और यही हुआ है आज तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है हर जगह के यार, कोई अगर आ जाता है कोई बड़ी सीट पे तो अपने दोस्तों यारों को ले आता है, और जो पिछले के दोस्त यार होते हैं उन्हें वो फिर निकाल देते हैं। अच्छा हाँ, उसको कोच करेगा। एक और मैं बात करना चाह रहा था, शुएब अख्तर साहब ने कहा कि जी भाग गए मिसबाह उल हक और वकार यूनस भाग गए। यार ये लफ्ज नहीं है, वकार यूनस एक बिग नेम है, ठीक है, मतलब उनकी कोचिंग में पाकिस्तान टीम नहीं शायद उतना अच्छा परफॉर्म कर सकी जितना करना चाहिए था, लेकिन मतलब वकार यूनस के लिए मिसबाह के लिए भाग गए का लफ्ज जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। और रमीज भाई ने उनको निकाल देना था, दैट मीन्स कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है क्योंकि अब आपने अंदर आना है। तो ठीक है, आप भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, अगर आप कोच बन जाएंगे या किसी को सिखाएंगे आपसे भी हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। ये हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, वकार यूनस की बहुत रिस्पेक्ट है, मिसबाह उल हक की बहुत रिस्पेक्ट है, इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है सही मायनों में, ठीक है, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काम किया, शायद रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ सका, तो हो सकता है कि जब आपकी ड्यूटी आए या आपकी कोई असाइनमेंट लगे तो आपकी वजह से हम जीत जाएं, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हार भी सकते हैं क्योंकि जीत हार तो गेम का हिस्सा है ना। अब आप देखिए विराट कोहली 1.5 साल हो गया उसने सेंचुरी नहीं की, और उसको किस तरह सपोर्ट कर रहा है पूरा इंडिया। यहाँ पे आप 2 मैच ना कोई परफॉर्म करें तो जो है ना क्या तलवारें निकाल लेता है जियो वाले भी और ये मीडिया वाले भी। और ये जितने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं ये तनकीद करते हैं, इन सब ने अगर आप देख लें इन सब ने होम ग्राउंड पे स्कोर किया होगा, और ये जो आज के बच्चे हैं जिन पे आप तनकीद करते हो उनकी 90% क्रिकेट जो है ना वो बैरून मुल्क है। सो ये चीज़ मद्देनजर रखें, किसी पे तनकीद करते वक्त ये चीज़ सोचें कि ये लड़के हमारे लड़के हैं, इनको सपोर्ट करना। 2 मैचेस नहीं कोई परफॉर्म करता आप उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अब आप मुझे बात बताइए कि अगर आपको क्रिकेट आती है तो शान मसूद एक क्लासिकल प्लेयर है, ठीक है, फॉर्म आनी जानी चीज़ है, लेकिन उसकी क्लास जो है ना वो नहीं, वो परमानेंट होती है। सीखें उनसे कि 1.5 साल से एक बंदा सेंचुरी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ 2 मैचों में या 1 सीरीज में बाबर आजम अगर स्कोर ना करे तो फिर देखिए कि इसके बेचारे का क्या असर करेंगे। अच्छा ये जो आजकल शुएब अख्तर और वसीम अकरम के आपस में लड़ाई और मसले चल रहे हैं तो आपको पता है इसके बारे में? देखिए मुझे तो नहीं पता कि उनके क्या मसले चल रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आजम खान को बहुत डिफेंड किया जा रहा है वसीम अकरम की तरफ से। लेकिन देखिए ये वसीम अकरम मतलब वन ऑफ द बेस्ट एवर फास्ट बॉलर कि अगर लिस्ट बनाई जाएगी उसमें वसीम अकरम है। अगर वसीम अकरम कुछ कह रहे होंगे तो उसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। मैं आपको बताता हूँ क्या बात, और शुएब अख्तर भी कुछ कह रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इनके आपस में ना लड़ाई क्या हुई थी। वसीम अकरम ने ना एक इंटरव्यू में बताया था कि ना मैंने एक दफ़ा ना शुएब अख्तर के ना कान से पकड़ के ना डांस पार्टी वो जो होता है ना क्लब में से ना कान पकड़ के उन्हें बाहर लेकर गया था। फिर शुएब अख्तर का जवाब आया कि अगर यहीं कान पकड़ के मुझे अगर प्रैक्टिस में भी कभी ले जाते तो वो अच्छा था। फिर वसीम अकरम ने जवाब में दोबारा कहा कि यार ये शुएब अख्तर की बातों को कौन सीरियस लेता है, कौन पागल है जो कि शुएब अख्तर की बातें सुनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वसीम भाई को किसी की ऐसी प्राइवेट बात जो है वो ऑन स्क्रीन करनी ही नहीं चाहिए। कौन ऐसा बंदा है जिसके कोई वीक पॉइंट्स नहीं होंगे? हमारी सोसाइटी में ये वीक पॉइंट है ना, अगर किसी को जो है ना कहाँ से निकाला वसीम अकरम ने ना शुएब अख्तर का कान पकड़ के ना उनको ना क्लब से निकाला था बाहर, क्लब से निकाला, तो हमारी सोसाइटी में इस तरह की ये वीकर पॉइंट्स है ना। तो मेरा ख्याल है कि इन पर पर्दा ही डालना चाहिए, सबने सब कुछ ही किया होगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ पे कसूरवार वही होता है जो पकड़ा जाए, जो नहीं पकड़ा जाएगा तो वो हाजी नमाजी परहेजगार। Yes, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं, तो अगर क्रिकेट बोर्ड में या कहीं भी इनका कोई असाइनमेंट लगे या इनको कोई ड्यूटी दी जाए तो ये इनसे बड़े प्लेयर तो हमने प्रोड्यूस नहीं किए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा और ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के बड़े नाम हैं। अच्छा अब नेक्स्ट सेगमेंट खेलते हैं, इसका नाम है पिक्चर सेगमेंट। तो मैं ना आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाऊँगा और आपने ना इनके बारे में ना कमेंट्स देने हैं, तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, ओके। पिक्चर कहाँ तकिए के पीछे? नहीं, इस पे दिखाऊंगा।
इनके बारे ओह क्या कहेंगे इनके बारे में? बिलावल भुट्टो, क्या कहूँ इनके बारे में, बस लकी हैं कि बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक टाइम आएगा ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, पता नहीं वो टाइम नहीं आएगा। बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट एंड डिफरेंट राइटर नॉट इवन पाकिस्तान इवन इन सब कॉन्टिनेंट। जरूरी नहीं आप सबकी पॉजिटिव ही बातें करें, कोई नेगेटिव बातें भी कर सकते हैं आप। नहीं नेगेटिव बात ये है कि ये राइटर है, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, मैंने इनके साथ बहुत काम किया और इनका काम आप जब भी करते हैं तो आप बहुत दिल से करते हैं क्योंकि ये दिल से लिखते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे खलील रहमान कमर साहब को एज अ राइटर देखा और वो आज भी मेरे लिए एक बहुत बड़े राइटर हैं। बाकी उनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें मुझे पसंद हैं कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद, वो एक चीज़ें चलती रहेंगी। इमरान खान साहब होप अभी भी होप? यस इमरान खान इज माय होप, नो डाउट अबाउट इट। मुझे जो पीटीआई की 3 साल की हुकूमत है उस पर बहुत से इतराजात और बहुत से लूप्स मुझे नज़र आते हैं जिसका गायब है आप सेकंड करेंगे, मैं इजहार करता रहता हूँ, लेकिन ये आदमी मेरा अभी भी होप है और मुझे लगता है कि इनको और टाइम देना चाहिए तो ये पाकिस्तान को उस ट्रैक पे उस डगर पे ज़रूर पहुँचा देंगे जहाँ पे इसको होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। मैंने आपको कहा उस इंटरव्यू में अगर आप निकाल के देख लें, मैंने वो कितने साल हो गए उसको, 2-3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आपने ठीक करनी है तो इस बंदे को हीरो बनाएं। आज आप देख लीजिए आज का बच्चा जो है वो बाबर आजम को जब फॉलो करेगा तो पाकिस्तान की बैटिंग कितनी अच्छी हो जाएगी इसका अंदाज़ा आपको 2-3-4 साल बाद होगा। यानी कि जो आज 10-12 साल का बच्चा है जब वो 17-18 साल का हो जाएगा और उसके जहन में बाबर आजम की क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगी। एज अ बैट्समैन तो कोई डाउट नहीं यार ग्रेटेस्ट, ठीक है, मगर एज अ कैप्टन ठीक है यार। देखो ये बहुत बहुत ही गलत बात है कि कैप्टन को आपने क्या बना दिया है भाई। कैप्टन 11 बंदों के में से कैप्टन है और फील्डिंग सेट करनी है और फील्डिंग में क्या सेट करना होता है, थर्ड मैन ऊपर रख लो थर्ड मैन नीचे ले आओ, कवर बाहर ले जाओ कवर अंदर ले आओ, ये लॉन्ग ऑन डीप कर लो अंदर कर लो, ये 4-5 पोजीशंस हैं जिनको चेंज करना होता है। बॉलर्स का भी तो होता है कि ये ओवर पहले कराएगा। अरे भाई 4 बॉलर्स होते हैं ना, मतलब नॉर्मली 4 या 5 बॉलर होते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपने स्पिनर लगा दिया और आपको मार पड़ गई, ओए फास्ट बॉलर लाना सी एंते आंधी ही नहीं कप्तानी, अगर उसने फास्ट बॉलर लगा दिया ओए स्पिनर लाना सी एंते कुछ भी नहीं आंदा। ये अपनी बात छोड़ दो, पाकिस्तान में ये जो है ना कि जी अब आप कहते हैं कि जी हफीज़ जो है इस वक्त, हफीज़ जो है वो बाबर आजम को देख के मोराल बड़ा होगा, नहीं भाई हफीज़ की अपनी क्रिकेट है, उसने कप्तान की तरफ देखना है, उसने अपनी क्रिकेट खेलनी है, हर बंदे ने अपनी क्रिकेट खेलनी है। यहाँ पे जो है शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम से पूछ के बॉल नहीं करानी, वो बॉलर है उसको पता है कि उसने क्या कराना है। इसलिए कप्तान को कोई इतना हवा बना दिया है पाकिस्तान में कि जी वो एक ही कप्तान था जिसका नाम इमरान खान था। प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा कहता है कि जी मैं इमरान खान नहीं बनना, नहीं भाई आप नहीं बन सकते इमरान खान। तो बस ठीक है बाबर आजम कप्तान है बस ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मियाँ साहब एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं और मैं तवक्कु करता हूं कि ये बड़ेपन का सबूत दें और इनसे जो सवालात किए जा रहे हैं उसका जवाब दें। आपका क्या ख्याल है ये पाकिस्तान आएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान आएंगे जब तक कोई डील विल नहीं हो जाती। मगर इलेक्शन से पहले तो इन्हें आना पड़ेगा ना? नहीं क्यों आना पड़ेगा, कैसे इलेक्शन लड़ने के लिए? नहीं वो उन्होंने लड़ने के लिए रखे हुए ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा जेल नहीं, मियां साहब से जेल नहीं कट सकते। तो मुझे बताएं इनकी तबीयत ठीक हो गई है ना? तबीयत तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ठीक ही लग तो रही है। आप उनका हाल नहीं पूछते अब? किनका? नवाज शरीफ साहब का? नहीं मेरे इनके साथ डायरेक्ट अभी ताल्लुकात नहीं है ना। हो जाएंगे। देखिए बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो है ना वो इमरान खान ने बहुत हमें सिखाया है, उनमें से सबसे बड़ी चीज क्या सिखाई है
कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। आप मुझे बताइए कि इमरान खान से पहले कभी आपने मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना था कि मनी लॉन्ड्रिंग भी एक कितना बड़ा जो है ना जुर्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि मियां साहब उस माइंड ऑफ फ्रेम के आदमी है कि यार ये मेरा पैसा मैं जितने मर्जी ले जावा, तुसी कौन हो पूछना ले। ये वो माइंड फ्रेम है। ये जो ये है कि डॉलर्स अगर आपके मुल्क में कम हो जाएंगे और आप अपने मुल्क के डॉलर्स जो है रुपयों में दे के डॉलर्स ले के मुल्क से बाहर चले जाएंगे और टैक्स पूरा पे नहीं करेंगे, सभी ये करना शुरू कर देंगे जो कि सबने किया है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर किसी ने ख़रीदी है भाई, उन सब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, नवाज शरीफ है, एक्स वाई जी है, कोई भी है। ये चीज़ हमें इमरान खान ने सिखाई है और उसी ने सिखाया है कि भाई एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए प्लांट्स की जितनी जो बातें, ये बड़े कोर इश्यूज हैं पाकिस्तान के। अच्छा, इनके कहने पे आपको जेल भी हुई थी, याद है आपको? नहीं, जेल नहीं हुई थी मुझे, लेकिन मुझे मुझे पुलिस ने पकड़ा, मुझे 6-8 घंटे के लिए अंदर रखा। मारा था आपको? छितर पड़े थे? नहीं मारा, छितर मारे? छितर नहीं मारे, SHO ने मुझे जनाब अपना कमरा दिया, मुझे मच्छर मार लोशन ला के दिया, मुझे खाना पड़ाया। मतलब हम टीवी के एक्टर हैं भाई, SHO के घर में टीवी में ड्रामा चलता। कितनी मार पीटी थी आपको? पढ़नी क्यों है? मैंने वैसे सुना है कि जेल में ना छितर पड़ते हैं। अच्छा, चले फिर किस दिन? नहीं, नेक्स्ट मिस बाउल हक। ये मुझे ऐसा लगता है कि थैंकलेस नहीं होती कि एक बंदे ने बहुत कुछ किया और थैंकलेस, उसको मानना ही नहीं। मिस बाउल ने जब, मतलब ये पाकिस्तान टीम का कामयाब तरीन टेस्ट का कप्तान था, इसने कभी सेंचुरी ही नहीं बनाई वनडे में, इसी बात के तो ताने पड़ते हैं। कोई डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलता, सिचुएशन आपको कहती है कि मैं डिफेंसिव हो जाओ। जब मिसबा ने क्रिकेट खेली तो ऊपर के, अगर जब मिसबा क्रिकेट खेल रहा है उसकी बारी आई हुई और 10 ओवर में 3 आउट हुए हैं, तो मुझे बताओ बेचारा क्या करे? तो आउट हो जाए। आउट नहीं होता ना, वो नहीं हुआ ना आउट। जब ये स्कोर नहीं करता था तो मैं दुआएं करता था कि यार ये आउट ही हो जाए। सच यार, प्रॉब्लम आपका ये है कि आपने जिस बंदे को हीरो बनाया हुआ था आप उसके फॉलोअर हैं, आपको ये बेचारा जेन्युइन क्रिकेटर कहाँ पसंद आएगा? मरियम हाय कितनी प्यारी है। देखिए, मुझे उनकी प्यारी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में जो हम बैठे बिठाए रातों रात अमीर हो जाते हैं, बैठे बिठाए रातों रात एक रात में आप लीडर बन जाते हैं, तो ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता अगर ख्वाजा साद रफीक इनकी जगह होता, मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर ख्वाजा इमरान नज़ीर इनकी जगह होता। दुपट्टे में? हाँ, दुपट्टे में नहीं, मतलब इनकी जगह। अच्छा, इन कान खराब है? नहीं नहीं नहीं, कान मेरे ठीक हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर ये नवाज शरीफ की बेटी होते? हाँ, मतलब इनकी जगह, मतलब आज जो ये नून लीग को लीड कर रहे हैं तो वो लोग भी लीड करते हैं, लेकिन वो बेचारे कभी कर ही नहीं सकते। मारें वो खाएं, जेलें वो काटें, हर चीज वो करें और लीडर ये बने। ये उनकी बेटी है ना, इसलिए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अपनी औलाद अपनी औलाद होती है, बाकी लोग धोखा देते थे ना। तो कहने का मकसद है मान लेना कि यहाँ बादशाहत है, ये जमहूरियत तो नहीं है ना। बादशाहत में होता है ना कि आप बादशाह का बेटा किंग वली अहद, तो मान ले फिर बादशाहत है। चले चले, मान लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मथीरा जी। कौन है मथीरा? अपनी मथीरा जी। जी आपकी मथीरा? मथीरा हमारी एक्ट्रेस है जी। जी और क्या मतलब? कैसी लगती हैं आपको? डिफरेंट है और बोल्ड है और ठीक है। आपका भी दिल करता है कि आप इनके साथ काम करें एक्टिंग? नहीं, मतलब इन्होंने हमारे साथ काम किया है, आपको पता नहीं है ना किसमें किया है, क्योंकि आपको गूगल ने बताया नहीं होगा। मुल्ला दी दौड़ मसीह तिकर कासिम दीदी पहुंच गूगल तिकर। नहीं, मैंने सर्च किया था काशिम महमूद एंड मथीरा, तो कुछ नहीं मिला था। नहीं मिला था, तो वो था नागिन, एक हमारा प्ले था तो नागिन में थी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें आगे चलते हैं। रमीज राजा। अब रमीज राजा उस वक्त हमारे, देखें मैं उस सोच का आदमी हूँ कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। अब रमीज राजा जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। रमीज राजा पढ़े लिखे आदमी हैं, क्रिकेट को समझते। अच्छा देखिए, जो डिफेंसिव क्रिकेट की बात हो रही है, तो रमीज राजा 92 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने सेंचुरी की थी, ठीक है, और पाकिस्तान मैच हार गया था। और सेंचुरी उन्होंने कब की थी?
48वें ओवर में या 49वें ओवर में, और अगर ये कहें कि मिसबा डिफेंसिव है तो यार फिर वो निकाल के देख लेते हैं हम पूरा मैच कि आपने किस तरह की क्रिकेट खेली। खैर ये तो और बात हो गई, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप डिफेंसिव की। लेकिन अब वो आ चुके हैं, वो चेयरमैन मेरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि ये कामयाब हों और इनके टेन्योर में पाकिस्तान क्रिकेट जो है बहुत फ्लरिश करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं। ये टिकटॉकर्स हैं, आपको पता है टिकटॉकर्स आजकल ना स्टार्स हैं, तो आप इन टिकटॉकर्स को जानते हैं? इनमें ये तो जन्नत मिर्जा जी जी, जुल्कर नैन, हाँ इनको मैं नहीं जानता, इनको भी नहीं मैं जानता, डॉली डॉली इनको भी नहीं जानता और उनको भी नहीं जानता, मैं दो को जानता हूँ। तो आपको कैसे लगते हैं टिकटॉकर्स? टिकटॉकर्स एक हकीकत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनको कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती जो कि एक सेलिब्रिटी को या स्टार को एक रिस्पेक्ट होती नहीं, एक रिस्पेक्ट होती है। टिकटॉक जो है पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी तो है इनके पास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट होती है ना वो शायद टिकटॉकर्स को ना मिल सके। मगर और उसकी उसकी एक बेसिक वजह क्या होगी? उसकी एक बेसिक वजह देखिए, अब इनमें से जन्नत मिर्जा हैं, फिल्म कर रही हैं, जुल्करनैन ने भी कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर टैलेंट चाहिए। किसी का डायलॉग के ऊपर डबिंग कर देना इज नॉट अ टैलेंट। इन्हें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, इन्हें व्यूज चाहिए जो इन्हें मिल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर मिलते रहे, ठीक है। तो बैन क्यों होते हैं फिर? चलिए लास्ट लास्ट आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? डॉक्टर आमिर लियाकत, मेरा ख्याल है कि अब आमिर भाई को सोचना चाहिए कहाँ थे और कहाँ हैं। टॉप पे हैं, हाँ अभी भी नहीं, अब शायद मेरा ख्याल है रमज़ान की जब ट्रांसमिशन होती है तो टीआरपी उतनी नहीं आती जितनी पहले आया करती थी, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को थोड़ा सा गुस्सा कम करना चाहिए, बहुत बहुत गुस्सा करते हैं जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आपको नहीं पसंद? मुझे पसंद भी नहीं है और नापसंद भी नहीं है, बट ठीक है, डॉक्टर साहब एक मतलब डॉक्टर साहब एक स्टार हैं, एक टैलेंट का नाम है डॉक्टर आमिर लियाकत, एक ही हैं हमारे पास। और डॉक्टर और भी हैं, हॉस्पिटल जाएं बड़े डॉक्टर्स मिल जाते हैं। भाई आमिर लियाकत एक ही है ना, डॉक्टर आमिर, वैसे कौन से वाले डॉक्टर हैं ये, MBBS हैं दूसरे? ये जैनी डॉक्टर हैं, पागल डॉक्टर होते हैं ना वो है। और अब MNA भी हैं, PTI के, आपकी पार्टी के। चले एक अच्छा कुछ पिक्चर्स, मुझे लगता है नाराज नू नहीं होती वही है, हाँ बस नाराज ही रह रहे हैं, हर किसी से नाराज। अच्छा आगे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपकी हैं, तो वो भी पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूँगा। ये पिक्चर्स आपकी ये दोस्तों के साथ हैं, तो ये मुझे बताइए ऐसे क्यों हैं? भाई हमें ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमने एक डेडी बनाई थी और ये सारी भैंसें रखी थी और लोगों को खालिस दूध पिलाया था। तो अब किधर हैं ये सारी? अब मैंने बेच दी। तो आपको अब इनकी याद नहीं आती? आती है। तो आपने क्यों बेच दी जब आपको इनसे प्यार हो गया था? लेकिन हम दोबारा शुरू करने लगे। ठीक है, तो जब आप दोबारा इन्हें लेकर आएंगे तो यही होंगी या फिर वो और होंगी? मैं जब लेके आऊंगा ना आप हमें बताना कि वो हैं या नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा ये आपकी शर्टलेस तस्वीर, अच्छा तो इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? बॉडी दिखा रहे हैं कोई? ये तस्वीर कभी मैंने भी नहीं देखी थी। बाल दिखाना चाह रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ ये तस्वीर तुमने कहाँ से ले ली है? बड़ी बड़ी बात है। नहीं इस वक्त तो खैर बॉडी इतनी बनी भी नहीं हुई। अच्छा ये पहले की है? हाँ पहले सिर्फ बाल ही बाल थे। इतने नहीं है। अच्छा अब कम हो गए जितनी तुम्हारी बातों में तुमने। अच्छा गिर गए बाल? नहीं तुम अपने सर की बालों की बात कर रहे हो, वो गिर गए। ठीक 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 चले नेक्स्ट। ये क्या हो गया था आपको? ये नागिन ड्रामे की पिक्चर है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें अब नियोले बने हुए हैं? नहीं ये किंग सलाज यानी नियोलों का बादशाह। नियोले बने हुए हैं आप इसमें? अच्छा ये नियोले का बादशाह। अच्छा नियोलों का बादशाह आपको ही उन्होंने क्यों बनाया था? आपकी शक्ल मिल रही थी नियोले से। आप देखें, हाँ थोड़ी सी मिल रही है इस पिक्चर में। शीशा लेके आए भाई, शीशा आप भी देखते हैं मैं भी देखता हूँ, देखते हैं किसकी शक्ल मिलती है नियोले से। ये तीन बंदे यहाँ पे वोटिंग करा लें
भाई हम दोनों में से न्योले की शक्ल किससे मिलती है? मेरी तो सांप से मिलती है। वो कैमरामैन कह रहा है इसकी, आप बताएं इसकी, आप बताएं भाई। लो जी हम यहाँ पे खवातीन हज़रात, हम यहाँ पे चार लोग हैं और चार का मुत्तफ़िका फैसला है कि हम दोनों में से न्योले की शक्ल अगर किसी से मिलती है वो है शेख कासिम। फिर इसके मुताबिक तो न्योले का बादशाह मुझे बनना चाहिए था, तो आपको क्यों बना दिया उन्होंने? वो न्योले का बादशाह जो है वो इंसानी रूप में आते हैं न्योले। इसका मतलब है आप पहले न्योले थे फिर आप न्योले का बादशाह बने। नागन जो है वो इंसानी रूप में आते हैं ना, उनको मारने के लिए नेवले आए थे इंसानी रूप में और उन्होंने आके इंसानों को बचाया था। यस यस यस, यहाँ पे जो इफ्फी साहब बैठ के शायरी करके गए ना वो राइटर थे उसके। चले नेक्स्ट। इस तस्वीर की मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको किसी ने मारा था, आपको कोई टॉर्चर किया था, आप हॉस्पिटल पहुँच गए थे, आपके फेस को हुआ क्या हुआ? ये जो है ना पी आर पी होता है चेहरे का ना, पी आर पी ये वो कराया था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद आपको किसी ने मारा है। इसे कहते हैं खूनी किस्म का ब्लडी ब्लड जो है ना उससे रिलेटेड, इसमें वो ये ना 40 से ऊपर की काम है, छोड़ दो हमारा काम नहीं है। अच्छा फिर इसका आपको असर पड़ गया कि नहीं पड़ा? अभी आपने मुझे इंटरव्यू के शुरू में क्या कहा था कि आप इतने फिट कैसे हैं, क्या है मे बी। चले नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं। आयशा सना। अरे ये हमारी आयशा सना है। आपको पता है आयशा सना को पूरे पाकिस्तान की पुलिस ढूंढ रही है, क्यों ढूंढ रही है पता है आपको? यस, क्योंकि ये ना पैसे लेकर ना कमेटी के पैसे लेकर भाग गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप भी इनके साथ मिले? ये अकेली है जो पैसे लेके भागी है? नहीं नहीं, और भी होंगी ना, मगर ये मशहूर बंदी है। यानी कि जो लोग इस मुल्क में पैसे लेके भागे हुए हैं उनकी जगहों का पता है आपको, ठीक है? उनको तो आप पकड़ते नहीं है, तो पता नहीं वो भागी है बेचारी की नहीं भागी। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो पॉपुलर है, हो सकता किया हो जो भी इसने उस पर इल्ज़ाम है, मैं मुझे नहीं पता क्या किया या नहीं किया, लेकिन शी इज़ नॉट द ओनली वन। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चोर डाकू लुटेरे हैं जो कि टीवी पे आते हैं, और भाई अगर ये जो जितने भी लोग हैं ये सारे मासूम हैं तो शेख कासिम फिर जुर्म किया कि किसने इस मुल्क में, तुमने या मैंने? अगर इस मुल्क में ख्वाजा साद रफीक मासूम मान लिया जी, सनाउल्ला मासूम मान लिया जी, नवाज शरीफ मासूम मान लिया जी, तो बिलावल भुट्टो साहब मासूम, आसिफ जरदारी साहब मासूम, ये सारे ही मासूम हैं, तो फिर जुर्म किसने किया? वो जो अरबों डॉलर का कर्जा हम पे चढ़ गया है वो किसने लिया, तुमने या मैंने? तो मसला यही है, प्रूव नहीं हो सकता ना। शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं कि एक ढिल्ले की करप्शन भी साबित करके दिखाओ। बात ये है, यकीन है ना कि साबित ही नहीं हो सकती। हमारा जो जुडिशल जो निज़ाम है यहाँ पे तुम्हें अंदाज़ा है कि करोड़ों रुपया लेता है वकील अपनी फीस। किस बात के करोड़ों रुपया? यहाँ खैर ये बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तुम्हारा प्रोग्राम जो है ना ड्रैग हो जाएगा। चलिए अगर सियासत पे बात हो तो सियासत की टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं। आपका ना पहले ना पीटीआई का भूत आपके सर पे बहुत ज़्यादा सवार था, पीटीआई आप करते थे, तो अभी भी भूत है या फिर आप सीधे हो गए? देखिए अब मैं कहता हूँ कि मैं शायद पीटीआई के साथ नहीं हूँ लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ। इमरान खान साहब, देखिए खान साहब जो है ना स्टेटस को के खिलाफ स्ट्रगल उन्होंने किया है, वो निज़ाम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये कहीं नहीं लिखा कि उनकी टीम के अंदर जो लोग होंगे वो उस निज़ाम के बेनिफिशरी नहीं हैं। उनकी टीम में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि उस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं जिस निज़ाम को तोड़ना चाहते हैं खान साहब। तो प्रॉब्लम ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो उनकी कोशिश ज़्यादा कामयाब हो जाएगी। ये सारे मिलके देखें, इमरान खान एक होप हैं, थे और रहेंगे, लेकिन ये सारे जो बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, ये सारे मिलके चाहते हैं कि इसको नाकाम कर दें ताकि ये आखिरी होप जो है ना ये भी ख़त्म हो जाए, और वो कहेंगे नहीं जी नहीं, आ जाओ जी तुसी आ जाओ, बस तुसी ठीक हो। अच्छा पहले ना इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तो आपका बड़ा दिल करता था कि आप क्रिकेटर बने हैं, तो अब जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपका नहीं दिल करता कि आप भी सियासत में आएं और आप भी प्राइम मिनिस्टर बने? हर बंदा हर काम शेख कासिम नहीं कर सकता,
मेरी मुझे लगता है कि मैं शायद सियासत में आऊँगा तो शायद मैं उतना नहीं कर सकता, उतना फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी की खिदमत उन कामों में बेहतर तरीके से कर सकता हूँ बनिस्बत एज अ पॉलिटिशियन। तो आप खुद ही तो कहते हैं कि कीचड़ में उतर के ही कीचड़ साफ हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। हाँ तो खान साहब उतरे हुए हैं ना कीचड़ में, साफ कर रहे हैं वो। तो आप नहीं चाहते कि आप भी उसी कीचड़ में जाएं? जिन और डिपार्टमेंट से काम कर रहा हूँ कीचड़ वहाँ पर भी है। तो आप बाहर खड़े होकर भी तो कीचड़ साफ कर सकते हैं? बाहर खड़े होकर कीचड़ नहीं साफ हो सकता। साइड साइड से भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलें नहीं करते साफ, बिजनेस के टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा आपको 19 साल हो गए हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, तो अब तक तो आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया होगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है जितना भी शुक्र अदा करें हमारी औकात से ज़्यादा दिया अल्लाह ने। अच्छा पहले आपने लाइट्स का बिजनेस शुरू किया आशियाना लाइट्स के नाम से, तो अब तो काफ़ी शॉप्स हैं ना आपकी, 4 या 5 है, कितनी हैं? 3 है। 3 है। अच्छा फिर आपने दूध दही का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद आपने पंप भी शायद खोला था या नहीं खोला था? पेट्रोल पंप वो नहीं खोला था, ठीक है। अच्छा फिर अब आपने साइकिलें बेचना शुरू कर दी हैं, तो अब जो साइकिलें बेच रहे हैं वो किधर बेच रहे हैं? साइकिलिंग के बारे में जो है ना ये एक नई मोहब्बत है, एक जो है साइकिलिंग के बारे में हम 2 पॉइंट्स पर काम करें, थोड़ा 2 मिनट एक सीरियस नोट पर भी बात कर ली जाए कि साइकिलिंग के हमने 2 नारे लगाए। नंबर 1 हैप्पी फैमिली साइकिलिंग, ये हमारा नारा है आशियाना साइकिलिंग क्लब का। एंड नंबर 2 साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन एंड वी वॉन्ट टू इंजेक्ट दिस मेडिसिन टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि साइकिलिंग जो है वो किसी दवा का नाम नहीं है, किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं है, ये पूरी एक मुकम्मल दवा है। अगर देखो पाकिस्तान हम एक साइकिलिंग रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, हमने एक रेवोल्यूशन डॉक्यूमेंट बनाया है साइकिलिंग का, जिसमें ये हम प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान के कोर इश्यूज जो हैं वो साइकिल और साइकिलिंग के ज़रिए हल हो सकते हैं। आज पाकिस्तान का सबसे बड़े जो मेजर इशूज़ हैं उनमें इन्वायरमेंट का कितना बड़ा इशू है, आपको पता है कि जो एवरेज एज नीचे जा रही है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है हमारा, क्या तुम्हें दुख नहीं होता जब तुम ये सुनते हो कि लाहौर दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहर में 2 नंबर पे आता है? मुझे तो बहुत दुख होता है। क्या हम हर साल जो है कुड़ते ही रहेंगे या उसके लिए कुछ करेंगे भी? द पॉइंट इज दिस कि सेहत के मामले हो जाएं, कभी गूगल करके देख रहे हैं, कभी अच्छी चीज़ भी गूगल कर लिया करो, बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग देखो। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सब स्टैंडर्ड किस्म की साइकिलें बेची जाती हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया में एक चीज़ होती है QC। QC का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल, और ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो क्वालिटी का एक बॉटम लाइन लगाए। यहाँ पे जो कूड़ा जो है ना चाइना से इम्पोर्ट करके ले आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये पाकिस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसी में भी साइकिल भी आती है कि ऐसी सब स्टैंडर्ड साइकिल मिलती है आपको नीला गुम्बद से या उन वो जो है ना, खैर वो बिजनेस करते हैं उनको मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन द पॉइंट इज दिस, साइकिलिंग से मोहब्बत जो है वो हमारे बहुत बड़े इश्यूज सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर या कराची में 1 करोड़ मोटरसाइकिल चलती है या 1 करोड़ गाड़ी चलती है, अगर आप गाड़ी में देखें एक ही बंदा गाड़ी चला रहा है, बाकी सारी गाड़ी जो है ना वो खाली है, तो वो अगर उसका एवरेज जो है ना डिस्टेंस क्या है, कोई 20 किलोमीटर दूर है, कोई 25 किलोमीटर दूर है, अगर फॉर एग्जांपल इन 1 करोड़ मोटरसाइकिल में से 50 लाख मोटरसाइकिलें आप माइनस करते हैं और वहाँ पे साइकिल चलनी शुरू हो जाए, और कितना पेट्रोल बचेगा, और जब आप पेट्रोल की इम्पोर्ट बचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप अपनी मुल्क की खिदमत कर सकेंगे, वरना नारे लगाते रहेंगे इधर की टोपी इसके सर उधर की टोपी इसके सर। अच्छा वैसे जितना आप ये बोलते हैं तो आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बन जाते? मैं जो हूँ मैं अपना काम वही पूरा कर लूँ, बड़ी बात है मोटिवेशनल स्पीकर बन के क्या करूँगा? आप इतना लेक्चर। अच्छा बात सुनो, एक और चीज़ बताऊँ, बोलने से कुछ नहीं होता, मेरी आवाज़ है ना यहाँ पे, जितनी बड़ी आवाज़ हबीब जालिद की थी ना, हबीब जालिद जब एक नज़म लिखते थे तो क़यामत आ जाती थी, तो जब उनकी आवाज़ से कुछ नहीं हुआ तो मेरी आवाज़ से क्या होना है? नहीं आप कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा फर्क, कख फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी यही कर लो। अच्छा आपको ना जानवरों का बड़ा शौक है, मैंने नोट किया, जैसे आपने ना डॉगी भी पाले थे, आपने मेरे ख्याल में मुर्गियाँ भी पाली थी, आपने भैंसें भी पाली थी, तो लोग कहते हैं कि आपने ना गधे भी पाले थे, ये बात ठीक है? नहीं, कुछ गधे मेरे दोस्त हैं जो कि बोलते भी हैं। ठीक है, गधे जो है ना वो भी इंसानी रूप में आते हैं। नहीं नहीं नहीं
मैंने नहीं सुना। इंसानी रूप में आते हैं और काली रंग की शर्ट पहनी होती है, फूलदार किस्म की। हाँ, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा। अच्छा मुझे बताएं, मेरे साथ काम करने के अलावा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये आपका मेरी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू हो जो कि इन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हो। उसके बाद जो है ना, आप मुझे कभी ना बुलाएं कि काश भाई मैं अब उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं अब यहाँ आ गया हूँ, तो मैंने एक और इंटरव्यू आपको करना है, और ये होना है। पहले शो का एंड है तो एंड पे ना प्लीज़ या तो कोई गाना सुना दें या फिर ना डांस कर दें। मैं आपको ना गाना सुनाऊंगा ना मैं आपको डांस करूंगा, मैं आपको कुछ और सुनाता हूँ। अच्छा, वो मैंने ना आपका गाना कहीं पे ना सुना था, आपने ना एक चैनल में ना इंटरव्यू में गाया था, वो लट्ठे दी चादर उठे से लेती, वो वाला। तो जहाँ पे आप सुनाया था ना वहाँ से निकाल के यहाँ डाल देना। वो बहुत ही गंदा गाया था आपने, तो मैं चाह रहा हूँ आपसे लाइव सुनूं। आपका मतलब है कि वो गंद में यहाँ फिर मैं चाहूँ? यस यस यस, मैं चाह रहा हूँ नीट एंड क्लीन है, मैं यहाँ नहीं बचा सकता। अच्छा, आपने गाना नहीं, गाना तो कोई बात नहीं, कोई शेर ही सुना दे। शेर अगर कोई आता है, अगर हाँ एक दो तो आते हैं। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की कर देने, नाओ कर दे रिस्क जखीरा, नाओ भुखे मर देने। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की कर देने, नाओ कर दे रिस्क जखीरा, नाओ भुखे मर देने। ते कदी किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, कदी किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, और बंदे ही कर दे रिस्क जखीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। वाह 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 वाह, ये शेर आपका, आपने लिखा है? नहीं, ये मेरा नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये बुल्ले शाह का है, लेकिन ये उनका भी नहीं है। ये कोई मतलब शायद किसने लिखा है, नोबडी नोज। कोई बात नहीं, आप खुद ही कह दें कि ये आपने लिखा है, आपका है। मैं कासिम शेख नहीं हूँ, मैं काशिफ महमूद हूँ। मैं कैसे किसी का कहा हुआ अपने ऊपर ले सकता हूँ? चलें, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए मेरे शो में। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम और ये मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद थे काशिफ महमूद साहब। अगर आपने इनका ड्रामा देखा, एक्टिंग देखी है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी तो काशिफ महमूद को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, आप भी खुदा हाफिज़ कर दें। थैंक यू सो मच कासिम, के साथ जब भी बहुत सारा मजाक था, लेकिन ही इज़ अ डिफरेंट टैलेंट। ये एक ही हैं जो कि जो एक मिनट का सवाल होता है उसको पाँच मिनट का कर देते हैं, क्योंकि नेचुरल हैं। तो ही इज़ वन एंड ओनली, और मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है, हमें इनसे मोहब्बत है। ये एक बहुत डिफरेंट टैलेंट है पाकिस्तान का, अल्लाह ताला इनको और इनके इस वेंचर को बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच।